नमस्कार। मैं इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ जो कि कल रात 9 बजे अपने घर की सारी लाइटों को बंद करके दिया, कैंडल या फिर अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके कोरोना वायरस के अगेंस्ट में खड़ी हूँ। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है या फिर कोई त्योहार नहीं है। हाथ से ताली बजाकर ध्वनि उत्पन्न करने से लेकर रात में दिया जलाने तक हर एक कार्य के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण होता है और इन सब कार्य के पीछे छिपे हुए कारण को जानना भी एक तरीके का ज्ञान है। चरक संहिता में इस विषय का वर्णन किया गया है कि रात को अगर हम लोग अंधेरे में दिया जलाते हैं तो उनमें से कई ऐसे मैग्नेटिक फोर्सेस उत्पन्न होते हैं जो कि हवा में तैरने वाले बैक्टीरिया और वायरस को मारते हैं। दिया अ सिंबल ऑफ लाइट एंड अग्नि अ कन्वीनर ऑफ आवर डिविनिटी एस्पेक्ट्स इन आवर रिक्वेस्ट फॉर द गॉड्स एंड गॉडेसेस टू किल द नेगेटिविटी एंड द नेगेटिविटी ऑफ द डार्कनेस सराउंडेड बाय अस। हम में से बहुत कम लोगों को ये भी पता है कि विश्व में लगभग 180 देश हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे के दिन अपने घरों के बत्तियों को बंद करके पृथ्वी को बचाने का अभियान कार्य जो है वो शुरू कर चुके हैं, जिसको हम लोग अर्थ आवर के नाम से जानते हैं। यही समझ लीजिए। और कल अगर हम लोग 10 मिनट के लिए अपने घर के लाइट्स बंद कर दें तो सोचिए पूरे देश भर में अगर जो हम करेंगे तो एक दिन में हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। यही कारण लेके चलिए और कल रात 9 बजे मैं खड़ी रहूंगी दिए जला के अपने देश के साथ, अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ। क्या आप लोग खड़े रहेंगे? जय हिंद।